हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्रेनर जसपाल रावत। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग प्रकार के खाने और पीने की आदतों के बारे में बताऊंगा। सिर्फ आदतें ही नहीं, कौन से समय पे कौन सा खाना लिया जाता है, उस खाने को क्या कहते हैं, कोई इस प्रकार का खाना खाता है तो उस इंसान को क्या कहते हैं, कोई इस प्रकार का खाना खाता है तो उस इंसान को क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे खाने की आदतों के बारे में। डिफरेंट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, अलग अलग प्रकार की खाने पीने की आदतें। वी आर व्हाट वी ईट, हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। पहले प्रकार है वेजिटेरियन, इसे हम हर्बीवोर भी कहते हैं। इस प्रकार के इंसान कंदमूल, फल फूल वगैरह खाते हैं। एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स आर वेजिटेरियन। जो इंसान या जानवर सिर्फ कंदमूल, फल, सब्जी या दानों पे जीते हैं, उसे हम वेजिटेरियन कहते हैं। दूसरा प्रकार है ओमनिवोर, सर्वभक्षी। एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, जो साग सब्जी भी खाते हैं और दूसरे जानवर को भी खाते हैं। इनमें इंसान, कौवे, कुत्ते ऐसे जानवर आते हैं। तीसरा प्रकार है कार्निवोर, नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी। एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर, जो जानवर सिर्फ दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, कंदमूल नहीं खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर कहते हैं, जैसे सांप, बाघ, शेर वगैरह। चौथे प्रकार के लोग होते हैं वेगन। ए पर्सन हु इज नॉट ओनली ए वेजिटेरियन बट ऑल्सो एब्सटेन्स फ्रॉम ईटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स मेड ऑफ मिल्क। ये लोग सिर्फ वेजिटेरियन ही नहीं होते हैं, ये दूध से बनी हुई चीजें भी नहीं खाते हैं, जैसे दूध, दही, घी, लस्सी, पनीर, इन सब चीजें भी नहीं खाते हैं, इन्हें हम वेगन कहते हैं। पांचवा है कैनिबल, आदमखोर। ये सिर्फ इंसानी मांस खाते हैं। ए पर्सन हु ईट फ्लैश और इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये इंसानी मांस या उनके अंदरूनी भागों को खाते हैं। जानवरों में इसे हम आदमखोर कहते हैं, इंसान में इसे कैनिबल कहा जाता है। अब हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स के फूड, यानी कि खाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। वेजिटेबल एंड लेग्यूम्स या बीन्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, लेग्यूम्स यानी कि फलियां, बीन्स, मटर वगैरह, फ्रूट्स एप्पल, बनाना, केला, सेब, ड्राई फ्रूट्स काजू, पिस्ता, कैशुनट, आमंड्स वगैरह। अदर फूड्स, अन्य प्रकार के खाने, जैसे लीन मीट्स, कम चर्बी, बिना चर्बी वाला मटन, पोल्ट्री, मुर्गी, टर्की वगैरह, मच्छी और अंडे। ग्रेन्स यानी कि अनाज,
सीरियल्स, दाल चावल, होल ग्रेन्स, अक्खा ग्रेन्स जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि अक्खा ग्रेन होते हैं, पूरा ग्रेन होते हैं, जिनमें फाइबर ज्यादा होता है, फिर दूध, दही, पनीर, घी, टोफू, ये सब चीजें अन्य प्रकार के खाने में आती हैं। अब आता है जंक फूड, जिसे हम कबाड़ भी कहते हैं। प्री प्रिपेयर्ड और पैकेज्ड फूड, पहले से ही बना के रखा गया खाना जिसका कि न्यूट्रिशन लो होता है, जिसमें पौष्टिकता कम होती है, जैसे फ्रेंच फ्राइज, पटेटो चिप्स, ये सब चीजें जंक फूड में आते हैं, जिसे हम कबाड़ भी कहते हैं। ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। नूडल्स, पास्ता, मीठे बिस्किट, पैनकेक्स, ये सब जंक फूड के आइटम हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। फास्ट फूड, जैसे कि इसका नाम फास्ट फूड है, वैसे ही ये पकता भी जल्दी है। इजिली प्रिपेयर्ड प्रोसेस्ड फूड सर्व्ड इन स्नैक बार एंड रेस्टोरेंट एज ए क्विक मील टू बी टेकन अवे। जहां पे स्नैक्स मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे जल्दी जल्दी बन के पकने वाला खाना, इसे हम फास्ट फूड कहते हैं। अब हम देखेंगे फास्ट फूड के कुछ एग्जांपल्स। बर्गर, पिज्जा, जिन्हें हम ऑर्डर करते हैं या पैक करके घर ले जाते हैं, वड़ा पाव, चिकन सैंडविच, चिकन नगेट्स, अनियन रिंग्स, ये अन्य एग्जाम्पल हैं फास्ट फूड के। टाइप्स ऑफ पर्संस रिलेटेड टू फूड, खाने को लेकर अलग अलग प्रकार के लोग। पहले है ग्लटन, जो बहुत ज्यादा और बहुत लालच से खाता है, एन एक्सेसिव ग्रीडी ईटर। फिर आता है फूडी, ए पर्सन विथ ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन फूड, ए गोरमे, जो अलग अलग जगह जाके खाता है, वहां पे ये अच्छा मिलता है, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, ये ज्यादा अच्छा है, वो खराब है, ऐसा। फिर आता है कनेसर, एन एक्सपर्ट जज इन द मैटर ऑफ टेस्ट, जिसे टेस्ट का बहुत ज्ञान होता है, ये खाना ज्यादा अच्छा बना था। हम शादी ब्याह में भी जाते हैं, वहां पे भी लोग बोलते हैं, अरे फला भाजी बहुत अच्छी बनी थी, ये सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, इस प्रकार इनको बोलते हैं कनेसर। फूड ईटन एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पे खाया जाने वाला खाना। नॉर्मली हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। द नॉर्मल 3 मील्स ऑफ द डे आर, सबसे पहला है ब्रेकफास्ट, ए मील ईटन इन मॉर्निंग, सुबह सुबह सबसे पहले दिन का खाना उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। फिर दोपहर का खाना लंच, ए मील ईटन इन द मिडिल ऑफ द डे। द मील टेकन इन द इवनिंग, शाम का, या जिसे हम रात का खाना कहते हैं, उसे डिनर कहा जाता है। इसके साथ में हम कुछ और भी खाते हैं। द अदर फूड ईटन आर ब्रंच, कुछ लोग नाश्ता और लंच साथ में कर लेते हैं, तो उसे ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ब्रंच। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में काफी लोग ब्रंच करते हैं, ना ब्रेकफास्ट करते हैं ना लंच करते हैं। फिर स्नैक्स, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ईटन बिटवीन मील्स, दोपहर के खाना और रात के खाने के बीच में हम थोड़ा सा चाय बिस्किट लेते हैं, उसे हम स्नैक्स कहते हैं। फिर डिजर्ट, ए स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ द मील, खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, उसे हम डिजर्ट कहते हैं।
अब हम लिक्विड्स की बात करेंगे, तरल चीज जिसे हम कहेंगे ड्रिंक्स, जूस। इट इज ए बेवरेज मेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन और प्रेसिंग आउट ऑफ द नेचुरल लिक्विड कंटेन इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स या वेजिटेबल, फल या सब्जियों के जो रस निकलता है उसे हम जूस कहते हैं। अन्य ड्रिंक्स है स्मूदी। स्मूदी इज ए थिक बेवरेज मेड फ्रॉम ब्लेंड रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज वाटर, आइस और स्वीटनर। ये भी एक प्रकार का जूस है, लेकिन ये कंप्लीट जूस नहीं होता है, थोड़ा पल्पी होता है। इसमें सिर्फ जूस नहीं निकालते हैं, कुछ मैटर भी डालते हैं हम लोग। उसमें वेजिटेबल्स भी मिली जाती है, कुछ फ्रूट्स के पीस भी होते हैं, और पानी, आइस और कुछ मीठे के साथ में। इसे हम स्मूदी कहते हैं। दूसरा ड्रिंक्स है सॉफ्ट ड्रिंक्स। इट कंटेन्स कार्बोनेटेड वाटर, ए स्वीटनर, ए नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर। इसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर होता है, कुछ मीठा होता है और कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, टेस्ट होता है। ये सॉफ्ट ड्रिंक अक्सर हम जब इसका ढक्कन खोलते हैं तो ये छुस की आवाज करते हैं, इन्हें हम सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं। अब है बेवरेजेस। पानी के अलावा सारे ड्रिंक्स बेवरेजेस है। चाय, टी, इट इज एन एरोमेटिक बेवरेज। आफ्टर वाटर इट इज द मोस्ट वाइडली कंज्यूम ड्रिंक इन द वर्ल्ड। दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाली चीज है चाय। फिर दूसरे आते हैं कॉफी। कॉफी के पौधे होते हैं, उनके सीड्स को रोस्ट किया जाता है और फिर उसका पाउडर बना के कॉफी बनती है। अन्य बेवरेजेस बियर। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड एल्कोहलिक ड्रिंक। ये सबसे ज्यादा पिया जाने वाला एल्कोहलिक ड्रिंक है। फिर डिस्टिल लिकर आता है। बेवरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ ग्रेन। डिस्टिलेशन यानी कि आसवन प्रक्रिया होती है एक, जिसे गर्म करके बनाया जाता है। इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। तो कुछ धान को हम लोग डिस्टिलेशन के थ्रू लिकर बनाते हैं, उसे कहते हैं डिस्टिलेशन या डिस्टिल्ड लिकर। और भी बहुत सारे बेवरेजेस हैं, जैसे साइडर, एन एल्कोहलिक बेवरेज मेड फ्रॉम फर्मेंटेड जूस ऑफ एप्पल। एप्पल के फर्मेंटेड जूस, जैसे दही बनती है उस प्रकार का फर्मेंटेशन होता है, उस जूस से जो बनता है उसको हम साइडर कहते हैं। हार्ड सोडा, इट इज ए फ्लेवर्ड बियर, खुशबूदार बियर है, टेस्ट वाली बियर है। मैन्युफैक्चर्ड इन द स्टाइल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की तरह बनाया जाता है इसे, इसे हार्ड सोडा कहते हैं। अन्य बेवरेजेस में आते हैं वाइन। इट इज एन एल्कोहलिक बेवरेज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ये अंगूर के द्वारा बनाई जाती है। हार्ड ड्रिंक, वोडका, जिन, रम, विस्की, ब्रांडी एक्सेट्रा। मिक्स्ड ड्रिंक, मिक्स्ड ड्रिंक जो है दो हार्ड ड्रिंक या एक हार्ड ड्रिंक एक सॉफ्ट ड्रिंक या एक हार्ड ड्रिंक और एक बेवरेज को मिक्स करके बनाया जाता है। इसमें एक लिकर वाला भी हो सकता है, एक नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है। ये थे हमारे अलग अलग प्रकार के खाने के, पीने के सिस्टम और टाइमिंग्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।
और हाँ कमेंट जरूर कीजिए, इससे मुझे फीडबैक मिलते रहता है कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हो, तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।